तो आज की इस वीडियो में आपको छात्र कुछ खास खबर को बताऊंगा। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो आज की जो सबसे पहला खबर की आज अपने निवास क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि आज अपने निवास क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारियों के लिए सिलसिले में आयोजित बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी से संबंध विभागों के बजट प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। तो एक भाषण है भूपेश बघेल का, उसे सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद आप के लोगों से भी चर्चा होगी और हमने सुझाव मांगा पूरे राज्य भर से लोगों से, आप कोई सुझाव हो तो दीजिए। आज का जो दूसरा खबर है वो सबसे बड़ी खबर की CGPSC 2018 का परिणाम जारी, अनिता सोनी ने किया टॉप। तो CGPSC 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है जिसमें अनिता सोनी ने टॉप किया है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में अनिता सोनी ने टॉप किया है। आगे पूरा आपको टॉप 10 लोगों का नाम बताऊंगा जो CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में टॉप किया है। टॉप 10 लोगों का नाम आपको आगे बताऊंगा। आप CGPSC का जो रिजल्ट देखना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो अगर आप CGPSC में पेपर दिलाए हो। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पर अनिता सोनी का नाम है, दूसरे स्थान पर श्रीकांत का नाम है, तीसरे स्थान पर महेश्वरी तिवारी का नाम है। तो सबसे पहले नाम है प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा के अनिता सोनी, दूसरे पर स्थान पर श्रीकांत और तीसरे पर महेश्वरी तिवारी का नाम सामने है। उसके बाद इसमें कहा गया है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी जिसकी परीक्षा परिणाम आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने परीक्षा परिणाम को देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट में जा सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप अगर देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। बहुत बड़ी खबर कि अनिता सोनी ने इसका टॉप किया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में। अब उसके बाद बात करते हैं टॉप 10 लिस्ट की। देखिए टॉप 10 की सूची है, प्रथम स्थान पर अनिता सोनी है, दूसरे स्थान पर श्रीकांत कोरम को द्वितीय स्थान, महेश्वरी तिवारी को तीसरा स्थान, राहुल क्षमा को चौथा स्थान, सृष्टि देवांगन को पांचवा स्थान, राज तिवारी को सातवा स्थान, अभिसार पांडे को आठवा स्थान और रागनी सिंह को नौवा स्थान दिया गया है, भूमिका देसाई को दसवा स्थान। तो यह टॉप 10 सूची CGPSC 2018 का रिजल्ट है, परिणाम आप वेबसाइट में जाकर जरूर देखिए अपना जो रिजल्ट है उसे। इस खबर के बाद बात करते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर CM बघेल का कार्यक्रम तय, इस जिला मुख्यालय में करेंगे झंडा फरोहन। तो आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और CM भूपेश बघेल का कार्यक्रम भी तय हो चुका है, वो जिला मुख्यालय में झंडा रोहण का कार्यक्रम तय हो चुका है उनका। अब कौन सा जिला मुख्यालय है आगे आपको पता चल जाएगा। तो CM भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस पर इस बार बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजा रन करेंगे। CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो CM छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्तर जिला के मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजा रोहण का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। तो भूपेश बघेल ने स्वयं ट्विटर की जानकारी दी है, आप देख सकते हैं उनका ट्वीट कि इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर ध्वजा रोहण करने का निश्चय किया है। लोकतंत्र के मंदिर की आरती, अनजान गुरुवाणी प्रार्थना और भारत के संविधान देश के कानून कोने कोने में गूंजे हर यह भारतवासी के जीवन का पुण्य है। तो भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट किया। उसके बाद अगली खबर की बात करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में CM भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। तो दिल्ली विधानसभा भी होने वाला है, आप सभी को जैसे कि पता है कि भूपेश बघेल को वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनको स्टार प्रचारकों के लिस्ट में रखा गया, सूची में शामिल किया गया है। तो भूपेश बघेल को फिर से एक बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उनको स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस ने सूची में शामिल किया। तो ये देख सकते हो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूची है उसमें भूपेश बघेल का नाम है, आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे नाम है उसे भूपेश बघेल को इसमें शामिल किया गया। तो अगली खबर की बात करें, आज का जो लास्ट खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य करेंगे CA के समर्थन रैली का नेतृत्व। तो CA के समर्थन में 22 तारीख, जैसे कि आज 22 तारीख है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हिंद सपोर्टिंग मैदान रायपुर से रैली प्रारंभ होकर धरना स्थल श्याम टाकिस जाएगी। सभा को भाजपा के वरिष्ठ जन नेतागण संबोधित करेंगे। सभा और रैली के तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा रायपुर जिला बैठक संपन्न हुई। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज छत्तीसगढ़ में है, वो CA के समर्थन में रैली करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। तो भाजपा रायपुर जिला बैठक की संपन्न हुई, इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे और
ये जो रैली है जो हिंद सपोर्टिंग मैदान रायपुर से लेकर रायपुर से प्रारंभ होकर धरना स्थल श्याम टाकिस तक जाएगी। तो ये सीए के समर्थन में रैली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो बैठक में रायपुर दक्षिण विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू कुमार अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू, नंद कुमार साहू, भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, वीरगांव महापौर अंबिका यदु, केदार गुप्ता, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, सूर्यकांत राठौर, योगी अग्रवाल, मुरली शर्मा, सत्यम दुआ, बजरंग खंडेलवाल, अकबर अली, मुकेश शर्मा, अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे। ये कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री श्याम सुंदर अग्रवाल ने किया है। तो आज का कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों को मैंने दिया है, जिसमें से ये खबर चुनिंदा खबर जिसे आप लोगों को मैंने बताना जरूरी समझा, ये सभी को जानना जरूरी है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको छत्तीसगढ़ न्यूज़ से अपडेट रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।